तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये मिली बग लगी है। अब मैं इस पे स्प्रे करूँगा, ये देख सकते हैं ये, ठीक है ये मार देंगे हम यहीं। अब स्प्रे करते हैं हम, ये देखेंगे स्प्रे। हाँ हमने हर पौधे पे थोड़ा थोड़ा सा करना है स्प्रे, ठीक है ना। ये सब पे कर रहे हैं हम स्प्रे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अच्छा, अभी देखें बिली बक्स मेरे बेटे ने दिखाई, नवीदुल अब्बास ने। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ। ये पेटेंट स्प्रे है, लेकिन आपको थोड़ा करना है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे स्प्रे, तो इसका मतलब ये मिली बक्स के साथ साथ ही पौधा भी, इसके टिश्यूज मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जहर होता है और ये जानदार है पौधा। तो अगर ज़्यादा स्प्रे कर दिया तो ये पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, और एक तकरीबन ये रिहेबिलिटेशन के लिए फिर इसको एक माह लग जाएगा। मरेगा तो नहीं ये पौधा, लेकिन इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसके स्टेम ख़राब हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं ग्रोथ कराएगा ये। तो इस तरह से हम स्प्रे करेंगे, तो हल्का स्प्रे करेंगे। अगर फिर दूसरे तीसरे दिन देखेंगे, अगर मिली बक्स हैं दो तीन दिन बाद, चार दिन बाद, फिर एक दफ़ा और हल्का स्प्रे करेंगे, ताकि पौधा ना मरे। अगर ज़्यादा स्प्रे हो गया तो पौधे को उठा के धो दें, इसके ऊपर पानी डाल दें अच्छी तरह से, ताकि धुल जाए और इसके जो ये बैक्टीरिया पेस्टिसाइड है और ये पत्तियाँ भी ख़राब कर देगा। अगर ज़्यादा पड़ा तो ये हल्का हल्का करके ना तीन तीन चार चार दिन के गैप से करें, अगर है। अगर नहीं है मिली बक्स तो फिर छोड़ दें। तो आपके पास ये पानी कैसा है, दवाई कैसी है ये? इसके हमने इस तरह से बनाया था, पेटेंट दवा ले ली थी, उसके ऊपर सब डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि एक लीटर में जो है ना एक चम्मच हाफ टी स्पून डाल दें, आधा चम्मच डाल दें, और इतने गमले में, इतने बड़े गमले में करें। तो उसी डायरेक्शन के की तरह से, जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, उसी तरह से हमने उनकी हिदायत पे अमल किया है। और दूसरी बात ये कि जब मैं स्प्रे करती हूँ तो उसके ऊपर पानी पहले डाल देती हूँ पौधों के ऊपर, ताकि पौधे स्ट्रेस में ना आए, कम से कम स्ट्रेस में आए। कोई भी सा भी छिड़काव करें दवाओं का, तो पहले मैं ना पौधे को पानी डालती हूँ, और पूरी तरह जब वो पौधे के अंदर पानी जज्ब हो जाता है, पौधा पी लेता है, तो उसके बाद में स्प्रे करती हूँ, ताकि पौधा कम से कम स्ट्रेस में आए। एक तो पहले ही उसके ऊपर मिली बग्स होती हैं और स्ट्रेस में होता है, फिर ये हम ये इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, फिर वो स्ट्रेस में आता है। हल्का डालें, अगर नहीं मरते हैं फिर दो तीन चार दिन के बाद फिर डाल दें, फिर भी नहीं मरते फिर डाल दें। तो इस तरह ऐसा ऐसा करके हम मारेंगे, एकदम से नहीं मारेंगे, वरना पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब मिलेंगे इनसे लेने। एक बात और, अगर आपके पौधे में किसी एक पौधे में है मिली बक्स का हमला या किसी भी बीमारी का हमला, उसको उठा के अलग कर दें, बिल्कुल आइसोलेट कर दें, क्वारंटाइन कर दें उसको, और बाकी में भी देख लें कि अब बाकी पौधों में है क्या नहीं है। जितने पौधों में उनको क्वारंटाइन करें, जिसमें नहीं है उनको अलग करें, वरना इन सारा ये जो है ना उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगी, ये इफेक्टेड हो जाएंगी वो भी, जो हेल्दी हैं और जिनके अंदर अभी बीमारी नहीं आई है, ये इंसेक्टिसाइड्स नहीं आए, पेस्टिसाइड नहीं आए, पेस्ट नहीं आए अभी, तो इसको अलग कर दें सारे पौधों को जे, और उनको अलग करके जब तक वो दवाई के तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते उनको अलग ही रखें, या फिर कहीं से पौधा लेकर, नर्सरी वगैरह से पौधा लेकर आप आते हैं, उनको भी आइसोलेट करें, एकदम से नहीं रखें। हो सकता है उसकी बीमारी, उस पौधे के साथ बीमारी आई हो, जब तक वो बीमारी शो ना करे 15-20 दिन तक, उसको बाहर ही रखें पौधे को, अलग अपने घर के पौधों से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी घर से पौधे लेकर आते हैं, नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, वो पहले से उनके अंदर जरासीम वगैरह होते हैं या बीमार पौधे होते हैं, तो आपको 15-20 दिन में उनकी बीमारी का पता चल जाएगा, अगर उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है या क्वारंटाइज करके रखा हुआ है। तो अगर ये वरना ये बीमार अगर वो इनके अंदर साथ अपनी बीमारी लेकर आए और आपने अपने पौधों के साथ ही रख दिया, तो वो बीमारी अपनी सब में फैला देंगे, इसलिए उनको क्वारंटाइज करके रखें, अलग करके रखें उन पौधों को। बस ये आज की इतनी वीडियो थी, अल्लाह हाफिज़। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।